हैं दलदलन टॉप वाले, देख रहे बोर्ड जाता है साहित्य के सितारों का महाकुंभ। मोहब्बत रंग है वहाँ पे देखो अंदर भाई, सुधीरी चौधरी जी आए हैं, वो देख रहे हो। अब ये कर रहे हैं भाई तेरे नाम, भाई लोग वहाँ आकर के बहुत एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारे मंच बना रखे हैं। आप यहाँ पे ये राउंड वाली वीडियो भी बनवा सकते हो अपनी। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में। भाई यहाँ पे चल रहा है साहित्य आज तक 2022। तो आज के इस ब्लॉग में ना सारे मतलब साहित्य जो भी लगा हुआ है वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ की टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, सब कुछ आज के इस ब्लॉग में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंदर चलेंगे जो भी प्रोग्राम वगैरह हो रहा है ना सब कुछ आपको दिखाएंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, काफी मजा आने वाला आज के ब्लॉग। दोस्तों साहित्य आज तक 18 नवंबर और 19 नवंबर 20 नवंबर तीन दिन का ये प्रोग्राम है। हम फर्स्ट डे ही आए हैं 18 नवंबर को और आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, दो दिन और चलने वाला है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये लगा हुआ है मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, जो कि इंडिया गेट के काफी पास में है। और बाकी जो इसका गूगल मैप का लोकेशन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नियर बाय मेट्रो की बात करें, अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो खान मार्केट और मंडी हाउस, ये दोनों नियर बाय मेट्रो पड़ने वाले हैं। दोनों ही मेट्रो स्टेशन से लगभग 2-2.5 किलोमीटर ये स्टेडियम जो है वो पड़ जाता है। वहां से आप वॉक करके आ सकते हैं या रिक्शा वगैरह लेके आ सकते हैं। और बात करें इसकी टाइमिंग के बारे में तो ये 12 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात के 7-8 बजे तक चलता है। पार्किंग की बात करें तो आपको गेट नंबर 7 से एंट्री भी मिल जाएगी और वहीं पर आपको पार्किंग भी मिल जाएगी। और यहाँ पे भाई एंट्री के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। www.aajtak.in/साहित्य पे जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको मतलब ऑफलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर देंगे वो, बाहर जब भी एंट्री गेट पे आओगे तो आप बता देना उनको, रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देंगे, आपको एंट्री यहाँ पे मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर हमने अंदर एंट्री ले ली है। अंदर एंट्री लेती भाई इस तरीके के मतलब आपको एक काउंटर दिख जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अंदर वाला QR कार्ड है वो आपको स्कैन करके जो भी है वो इस तरीके के हाथ पे देख सकते हैं, ये स्टैम्प वगैरह लगा देंगे। ऑनलाइन नहीं किया था तो उन्होंने जो भी मतलब ऑफलाइन में जो भी डिटेल वगैरह थी वो मेरे से ले ली एंड देन उन्होंने मेरे को जो भी है स्टैम्प वगैरह लगा दिया। तो चलिए चलते हैं अंदर और कुछ तरीके से हमें स्टार्टिंग में ही ये बोर्ड देखने के लिए मिला है साहित्य आज तक। देखिए अंदर एंट्री लेती हमें कुछ इस तरीके का ये दिख जाता है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर इस साइड में साहित्य इंग्लिश वाला चल रहा है। अगर आपको इंग्लिश में देखना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हिंदी वाला अटेंड करना है जो कि हिंदी में चल रहा है वो उस तरफ है, चलिए हिंदी वाले में चलते हैं। और ये भाई ये आए हुए हैं दलदलन टॉप वाले, देख रहे हो बोर्ड यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर दिख जाता है साहित्य के सितारों का महाकुंभ, दस्तक दरबार, हल्ला बोल, चौपाल, यहाँ पे चल रहा है दलदलन टॉप वाला। सो ये देखते हैं थोड़ा सा, उसके बाद जो साहित्य वाला प्रोग्राम है वो आपको दिखा रहा हूँ। ये आए हुए राष्ट्रपति चुनाव, नितिन गडकरी, राजीव गांधी के हत्यारों को छोड़ा गया, 2024 का विजेता कौन, ये तो जनता जनार्दन तय करेगी, अभी बहुत समय है। यहाँ पे पीछे चल रहा है भाई दलदलन टॉप का शो, जो उनके जो होस्ट है ना मेन वाले वो मतलब आए हुए हैं। अब चलते हैं आज तक का जो साहित्य वाला प्रोग्राम चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। भाई हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे आज तक साहित्य आज तक मतलब चल रहा है। यहाँ पे भी ये कुछ इस तरीके से भाई मिल जाता है, सेल्फी वगैरह फोटोज वगैरह ले सकते हैं आप। और चारों तरफ देखिए भाई क्राउड तो यहाँ पे अच्छा खासा हो रहा है। भाई देखिए यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके के ये सेल्फी वाला ये मशीन मिला है, आप यहाँ पे ये राउंड वाली वीडियो भी बनवा सकते हो अपनी, ठीक है। वहाँ पे देखो अंदर भाई सुधीरी चौधरी जी आए हैं, वो देख रहे हो, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जूम करके। यहाँ से मतलब अलग अलग ये प्रकाशन की किताबें वगैरह भी ले सकते हैं, जो भी आपको पोएट्री वगैरह पसंद है ये देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, प्रेमचंद जी की, स्वामी विवेकानंद, और इस तरीके से आपको बुक्स वगैरह भी मिल जाएंगे। ठीक है भाई, पेड़ों पर कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी आप आके फोटोज वगैरह ले सकते हैं। और ये देखिए साहित्य आज तक का कुछ इस तरीके से ये छोटा सा मंच बना रखा है, आप भी जा करके वहाँ पर बैठ करके फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हैं। आइए इसमें चलते हैं दस्तक दरबार में, और यहाँ पर कोई प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है वो आपको दिखाते हैं।
आप खुद के लिए। और अब जैसे जैसे शाम आगे की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है, तो लता मंगेशकर जी का भाई ये देखिए स्टार्ट हो रहा है। तो ये सोचती हूँ कि इंसान के सामने आ जाता है और फिर वो चीज बन जाती है। यहाँ पे आज तक के जो मैसूर एंकर है श्वेता सिंह वो भी जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं जो भी आगे के हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ज्यादा दिखाने लगे तो थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे मतलब मंच देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि ये वाला जस तक दरबार में मैंने आपको दिखाया, ये देखिए यहाँ पर अभी प्रोग्राम चल रहा है। ऐसे ही बहुत सारे मंच लगे हुए हैं यहाँ पे। उस तरफ देखिए कोई म्यूजिक वाला शो चल रहा है, चलिए वो वाला मैं दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए भाई यहाँ पे चल रहा है म्यूजिक वाला। अब ये कर रहे हैं भाई तेरे नाम पर, आपको दिखाया कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है इसमें। और आने वाले टाइम पे जो भी स्टेज शो वगैरह होते हैं वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे स्क्रीन इस कुछ इस तरीके से चल रही है, और जो भी यहाँ का इनका शेड्यूल है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे देख सकते हैं मंच 3 साहित्य सभा, और इनकी टाइमिंग वगैरह शो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आज तक के जो फेमस जो भी है एंकर वगैरह और उनके जो प्रोग्राम्स है वो यहाँ पे शो कर रखे हैं, जैसे देख सकते हैं यहाँ जो ब्लैक एंड व्हाइट है जो कि रात के 9 बजे आता है सुधीर चौधरी जी का, वो सब भी यहाँ पे मतलब दिखा रखा है। ये भाई जो सारा एरिया देख रहे हैं ये सारा कैफे एरिया होने वाला है, मतलब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो जो भी है फूड वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। और भाई ऐसे ना मतलब बहुत सारे यहाँ पे स्टेज बना रखे हैं, जैसे कि एक स्टेज वहाँ पर मुझे देखने के लिए मिल रहा है, पीछे जैसे मैंने दिखाया 2-3 स्टेज लगे हुए हैं, अलग अलग स्टेज पे मतलब अलग अलग तरीके के प्रोग्राम वगैरह चल रहे हैं। ये देखो भाई फिर से नया सॉन्ग मतलब बजाने लगे, जो भी है सिंगिंग का प्रोग्राम चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर दिखाया वहाँ पर एक स्टेज होने वाला है, और उधर की तरफ 2-3 स्टेज मिल जाते हैं, फूड कोर्ट एरिया मिल जाता है, काफ़ी कुछ एरिया यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फी पॉइंट भी लगा रखा है, आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं। भाई साहब
आइस वाले मंच पे मजा आ रहा है मतलब भाई, लोग आकर के बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे और बहुत सारे मंच बना रखे हैं कहीं पे, मतलब म्यूजिक वाला प्रोग्राम हो रहा है तो कहीं पर एंकर वगैरह आकर के जो भी है शो कर रहे हैं, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप यहाँ पर जरूर आइए, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मोहब्बत रंग है ऐसा चले जिस पे वही जाने, ये रंग सबको नहीं पता है, कभी सूर कभी तुलसी कभी मेरा कभी सभी दीवानों की चढ़ा। मोहब्बत रंग है ऐसा चले जिस पे वही जाने, जिसे जो प्यार करता है उसे ओ लाइट ही चली गई यार, लाइट ही कटी भाई। दस्तक दरबार में देख सकते हैं मतलब यहाँ पे ये सिटिंग्स वाली चेयर्स काफी ज्यादा लगा रखी है और यहाँ का जो स्टेज है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है देख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कुर्सी वगैरह लगा रखी है, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बैठ करके आराम से जो भी शो वगैरह हो रहा है उसको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए भाई यहाँ पे भी इस मंच पे भी कोई शायद सिंगर विंगर आया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्योंकि पिछले तो मैंने आपको दिखाई दिया भाई, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शायरी वायरी चल रही थी और काफ़ी अच्छे अच्छे उन्होंने मतलब जो गाने वो गाए। तो बस गाइस आज के इस ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये आपको साहित्य आज तक कैसा लगा, और मुझे तो काफी पसंद आया। आप यहाँ पर आ सकते हैं, दो दिन और चलने वाला है, 20 नवंबर तक ये लगा हुआ है और इसकी सारी डिटेल वगैरह मैंने दे दी। अगर कुछ भी डाउट हो यहाँ से लेकर के कुछ भी डाउट हो आपके मन में तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज इंस्टाग्राम पर डीएम कर दीजिए। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो भाई, मैं दिल्ली एनसीआर के ऐसे ब्लॉग्स वगैरह लाता रहता हूँ। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।